जय गुरु। 10 अप्रैल 2016 को पूजन्य बाबाजी ने पटना में दीक्षा परिक्रमा की अंतिम दिवस में जो वक्तव्य दिए थे उसका कुछ अंश हम आलोचना करेंगे। व्यवसाय के बारे में क्या बोले थे, जो लोग व्यवसाय करना चाह रहे हैं उनसे मेरी सलाह है, देखिए दुनिया भर के तमाम व्यवसाय में कोई न कोई साधारण सा एक कॉमन फैक्टर रहता है। वो फैक्टर क्या है यदि आप ढूंढकर देखेंगे तो वो ठाकुर जी द्वारा दी हुई व्यवसाय की पंचनीति है। जाने हो या अनजाने हो, दुनिया भर के तमाम व्यवसायी अपने अंदाज में उनको पालन करते हैं, लेकिन पालन इसको करना पड़ेगा, इसके बाहर कोई नहीं जा पाएगा। तो व्यवसाय की पंचनीति को पहले जानिए, केंद्र मंदिर से जानकारी ले सकते हैं, कर्मी दादाओं से जानकारी ले सकते हैं, नहीं तो चर्चा करके गुरु भाई से जानकारी ले सकते हैं, किताब वो पत्रिकाओं से जानकारी ले सकते हैं। अभी इंटरनेट की सुविधा है, इसमें अपना प्रश्न डाल दीजिए, उसमें से कोई ना कोई मीमांसा मिल ही जाएगा। व्यवसाय की पंचनीति जानकर क्या कीजिएगा, वो है फ्रेम। जैसे फोटो को ठीक रखने के लिए फ्रेम में बांध कर रखते हैं, उसी तरह व्यवसाय को पंचनीति के इसी फ्रेम में बांध कर रखना पड़ेगा। इस व्यवसाय के फ्रेम में जांच कर देखिएगा, उसके बाद आप पैसा निवेश कीजिएगा। पैसा जो निवेश कर रहे हैं उसका कम से कम 2% रिटर्न आना चाहिए, यानी यदि 2% तक रिटर्न आ रहा है तो आपका व्यवसाय ठीक चल रहा है, और यदि नहीं आ रहा है तो कोई कहीं पंचनीति में गड़बड़ किए हैं। कहाँ गड़बड़ किए हैं उसको ढूंढिए, उसकी मरम्मत कीजिए, फिर आगे बढ़िए। और यदि नहीं आ रहा है तो मैं बोल रहा हूँ, छिद्र पात्र है उसमें पानी नहीं डालिए, पानी इतना बह जाएगा कि आप कर्ज में डूब जाएंगे। आपके हाथ की जो पूंजी है, जो फंसी हुई है, वो भी नष्ट हो जाएगी। आपका जो सम्मान है वो नष्ट हो जाएगा। पैसे मांगने के लिए आदमी के पीछे दौड़ते रहेंगे, आपको अपने पुरखों का घर बार छोड़कर इधर उधर भटकना पड़ेगा। आपकी ज़िंदगी में जो खुशी बची है वो ख़त्म हो जाएगी। इसलिए मैं बोलता हूँ व्यवसायी लोगों को, आप लोग होशियार होकर व्यवसाय में निवेश कीजिए और पंचनीति का ही पालन करके आगे बढ़िए। जय गुरु।